हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ताज किचन। मैं किड्स टिफिन के लिए सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें अब मैं 6 सीरीज़ में आपको फ्रूट सैंडविच बनाना बताऊँगी। बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा रहेगा, टेस्टी लगता है, चिल्ड्रन विल लाइक इट। तो उसके लिए मैंने ब्रेड पे 5-6 पीसेस ब्रेड स्लाइस के लिए, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, आटा ब्रेड, मैं वाइट के बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सब पे बटर लगा लिया है, आप बटर लगा लीजिए। इसके लिए मुझे चाहिए मैंगो फ्रूट जैम, रेड कलर का लिया है मैंने, मिक्स फ्रूट जैम है, और एप्पल को मैंने ग्रेट कर लिया है और बटर सब पे लगा दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इनको अरेंज करना है बस मुझे। ये बहुत झटपट बनने वाला सैंडविच है। अरेंज करने के लिए 3 स्लाइसेस का मैं बनाऊँगी। इसको मैंने मैंगो लगाया, इधर पे मैं जैम लगा रही हूँ, बच्चे जैम बहुत पसंद करते हैं तो जैम उनका फेवरेट होता है, और इसमें फ्रूट का भी फ्लेवर होता है, इसलिए आप जैम ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास मिक्स नहीं है तो जो कोई और जैम है तो वो लगा लीजिए, लेकिन रेड जो है कलरफुल लगेगा, इसमें 3 कलर्स मिक्स हो जाएंगे। ये सब पे मैंने बटर इसलिए लगाया, नहीं तो ये तो बच्चे खाएंगे तब तक सौगी ना हो जाएं, ये लगाने से सौगी नहीं होगी। अब मैंने इसको ये कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, ऊपर वाली स्लाइस पर भी। ताकि इसमें मैंने एप्पल लगाना है ग्रेट किया हुआ, ये ग्रेट किया हुआ एप्पल मैंने लिया है, ये बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि बच्चे फ्रूट वैसे स्कूल में कैसे लेके जाएंगे, तो इस फॉर्म में वो फ्रूट भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा कद्दूकस करने से ना लाल हो जाता है रखने से, थोड़ा सा आप इसको, इसमें आप मलाई भी मिक्स कर सकते हैं फ्रेश। ये बना दिया, अब इसको एक से कवर करना है हमें, एक स्लाइस से। ये आपके 3 स्लाइस का एक पेयर बन गया है, देखिए कितना झटपट तैयार हुआ है। ऐसे हम दूसरा भी बना लेंगे, उसमें मैंगो लगाएंगे, जैम लगाएंगे, ये आपको सुबह बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप फ्रूट रात को भी काट के रख सकते हैं, लेकिन एप्पल को तभी ग्रेट करना है क्योंकि एप्पल बैड हो जाएगा नहीं तो। ये ऐसे लगाना है, इसमें फिर थोड़ा सा हमने बटर लगाना है, और फिर अब इसमें एप्पल का ही लगाना है। ये डिफरेंट हो जाता है, रोज आप कुछ कुछ देते हैं, एक दिन आप इसको भी दे सकते हैं, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको भी मैंने इससे कवर कर दिया, दो मेरे पेयर तैयार हो गए, अब मैं इनको कट कर दूंगी। आराम से कट करिएगा, नहीं तो वो ऐसे इनको कट करके आप टिफिन में डाल दीजिए, बस अब रेडी हो गया आपका। ये टिफिन बच्चों का मैंने रखा हुआ है रेडी करके, इसमें देखिए अब आपको दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा कलरफुल बना है। ये देखिए,
फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें थोड़े से एप्रिकॉट डाल दिए हैं। बच्चे इसके साथ साथ फ्रूट भी खाएंगे, तो देखिए ये कितना टेम्पटिंग बना है फ्रूट सैंडविच। बच्चों को ज़रूर आप पैक करके दीजिए। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।